अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तौसीफ शाह फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टाइटेनियम ग्रुप। जैसा कि आप सब जानते हैं, टाइटेनियम के प्लेटफॉर्म से आपको डेली बेसिस के ऊपर रियल एस्टेट मार्केट के वाले से जो ट्रेंड्स और अपडेट्स हैं उनके वाले से इन्फॉर्मेशन और अपडेट प्रोवाइड की जाती है। आज हम लाइव विजिट लेके आए हैं बैरिया फेस 4 के अंदर, जहाँ पे हम आपको तमाम जो इसके ब्लॉक्स हैं उनकी डिटेल प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और वो किस प्राइस के अंदर फॉल करते हैं, प्लस यहाँ पे जो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, कमर्शियल हाई राइज कमर्शियल जो बन रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अवेलेबल हैं उनकी क्या डिटेल्स हैं, वो सारी आपको इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे। प्लस आपको पूरे बैरिया फेस 4 का जाए विजिट करवाएंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, आपको कंप्लीट डिटेल्स दी जा सके। आइए हम अपना विजिट स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं बैरिया फेस 4 के अंदर। पे मैं मौजूद हूँ बैरिया फेस 4 की मेन बुलीवार्ड के ऊपर। जैसे ही आप बैरिया फेस 4 की मेन एंट्रेंस से एंटर होते हैं तो आपके पास इसका जो फर्स्ट राउंड अबाउट आता है उसके लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास G1 ब्लॉक आता है और बिल्कुल उसके सामने जो उसकी राइट साइड बनती है उसके पास आपका जो है ना G2 ब्लॉक आता है। इन दोनों ब्लॉक्स के अंदर G1 और G2 हमारे पास जो ज़्यादातर कटिंग्स हैं वो एक कनाल की अवेलेबल हैं और कुछ लिमिटेड से प्लॉट्स हैं जो कि 10 मरला के हैं और यहाँ पे एक जो है थोड़ा सा एरिया है जिसके अंदर हमारे पास 5 मरला के प्लॉट्स आते हैं। टोटल अगर आपको मैं फेस 4 के ब्लॉक्स का बताऊँ तो इसमें टोटल 7 ब्लॉक्स हैं जिनको G1 से लेके G7 तक का नाम दिया गया है। G1 और G2 के अंदर जो मोस्टली कटिंग है वो एक कनाल की अवेलेबल है। G3 से लेके G6 तक हमारे पास 10 मरला ज़्यादातर जो है इन ब्लॉक्स के अंदर मिलता है और जो G7 ब्लॉक है इसके अंदर जो ज़्यादातर कटिंग्स है वो 5 मरला की है। बैरिया ऑर्चर्ड फेस 4 की अगर लोकेशन और एक्सेस की बात की जाए तो ये राइविन रोड के ऊपर बहुत ही एक फेमस प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसी रोड के ऊपर ऑर्चर्ड के 4 फेजेस हैं आमने सामने। जैसे ही आप राइविन रोड के ऊपर आगे बढ़ते हैं, स्पीड यूनिवर्सिटी क्रॉस करते हैं, तो आपके लेफ्ट और राइट साइड दोनों जानिब ऑर्चर्ड के फेजेस आ जाते हैं। आपकी राइट साइड के ऊपर पहले फेज़ 1 आता है, फिर फेज़ 2 आता है और उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है पहले फेज़ 3 आता है और फेज़ 4 आता है। फेज़ 4 के अंदर इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई हुई, जैसे कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, मेरी सराउंडिंग्स के अंदर आप देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो घर हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और मज़ीद जो यहाँ पे कमर्शल्स भी हैं, प्रोजेक्ट्स भी हैं, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ ग्रे स्ट्रक्चर की फॉर्म के अंदर हैं। जैसा कि हम जैसे ही गेट से एंटर हुए थे तो आपने देखा था कि वहाँ पे हाई राइज कमर्शल जो हैं, बहुत ही ह्यूज मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन थे, ग्रे स्ट्रक्चर की फॉर्म में थे, कुछ ब्राउन स्ट्रक्चर की फॉर्म में थे, जो कि आने वाले 1-2 साल के अंदर कम्प्लीट होकर डिलीवर कर दिए जाएंगे। यहाँ पे अगर हम एक कनाल की प्राइसेस की बात करें तो वो आपको 1.5 करोड़ प्लस माइनस में कॉस्ट करता है और जो 10 मरले का प्लॉट है वो आपको 80 से लेके 1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख के अंदर कॉस्ट करता है। अब हम मज़ीद थोड़ा सा ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर आगे बढ़ते हैं और इसके जो आगे वाले ब्लॉक्स हैं G3, G4 और G7 तक उनका आपको विजिट करवाते हैं और जो 10 मरला और 5 मरला की प्राइसेस हैं उनका अपडेट आपको वहां जाके प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही आप मेन बुलीवर्ड के ऊपर जो इसका फर्स्ट राउंड अबाउट क्रॉस करते हैं तो साथ ही आपके पास G3 ब्लॉक और G4 ब्लॉक की एक्सेस आ जाती है, दोनों आमने सामने हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर आपका G3 ब्लॉक है सारा और आपका राइट साइड के ऊपर G4 ब्लॉक है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हाउस हैं वो कंस्ट्रक्ट होके कंप्लीट हो चुके हैं, लोग यहाँ पे रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो कमर्शियल्स हैं और घर हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं इस टाइम पे, जो कि आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ही हम इसका आगे बढ़ते हैं तो इसका सेकेंड राउंड अबाउट आ जाता है, जिसके बाद हमारे पास इसका G5 और G6 ब्लॉक की एक्सेस आती है। G3 से लेके G6 तक हमारे पास जो ब्लॉक्स हैं इसकी जो मेजर कटिंग है वो 10 मरला की अवेलेबल है और कुछ लिमिटेड से प्लॉट्स हैं हमारे पास जो कि 5 मरला के अवेलेबल हैं। सेकंड राउंड अबाउट के पास आप देख सकते हैं कि G5 और उसके बिल्कुल ऑपोजिट G6 ब्लॉक्स आ चुका है। इन ब्लॉक्स के अंदर अगर हम प्राइसेस की बात करें तो जो 10 मरले का आपको प्लॉट है वो आपको 80 प्लस माइनस के अंदर कॉस्ट करता है और सेम इसी तरह जो लिमिटेड नंबर के हमारे पास 5 नंबर के प्लॉट्स हैं वो आपको 60 से 65 प्लस माइनस जो हैं वो कॉस्ट करते हैं। G7 ब्लॉक जो है वो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया गया है बैरिया मैनेजमेंट की तरफ से बैरिया फेस 4 के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास 5 मरला के प्लॉट्स अवेलेबल हैं और कुछ लिमिटेड से प्लॉट्स हैं जो कि 10 मरला के अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ हमारे पास इसके अंदर कमर्शियल प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। ये डील आज से
तीन से चार महीने पहले इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर लॉन्च की गई थी, क्योंकि ये न्यू प्लॉट्स थे जिसके अंदर हमारे पास 50% से बुकिंग थी और रिमेनिंग 50% जो है आपको 3 months के टाइम के अंदर पे करना था। खैर वो टाइम तो अब ख़त्म हो चुका हुआ है और ये जो 5 मरला के प्लॉट्स थे वो 36 से लेके 38 के अंदर जो है वो लॉन्च किए गए थे, जो कि इस टाइम पे मार्केट के अंदर 45 से लेके 50 प्लस माइनस के अंदर जो है वो सेल होते हैं। और सेम इसी तरह जो 10 मरले का प्लॉट था वो हमारे पास 55 से लेके 59 तक लॉन्च किया गया था, जो कि इस टाइम तक आपका 65 से लेके 70 अब जा चुका हुआ है। सेम अब इसके अंदर जो कमर्शल्स थे वो तब लॉन्च नहीं किए गए थे, अब वो उनकी जो है वो उनको भी लॉन्च कर दिया गया। हमारे पास इसके अंदर जो G7 की मेन बुलीवर्ड है उसके अंदर हमारे पास 4 मरला के कमर्शल्स जो हैं वो लॉन्च किए गए थे। मेरे फ्रंट साइड के ऊपर अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, वो जितनी भी बाउंड्री है उसकी बैक साइड के ऊपर जो एरिया है वो G7 ब्लॉक का है। अभी इसकी जो है यहाँ पे डेवलपमेंट का काम बैरिया की तरफ से काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो ये बाउंड्री वॉल जो है वो हटा के G7 को एक्सेस दे दी जाएगी। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये ब्लॉक अभी 3 से 4 महीने पहले ही बैरिया की तरफ से लॉन्च किया गया है। बैरिया फेज़ 4 के अंदर जो G6 ब्लॉक है वहाँ पे हमारे पास कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छे डिलीवर होंगे, जिसके अंदर हमारे पास मेडोज विलास और सफारी विलास का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमारे पास जो टाउन हाउसेज होते हैं ऑलमोस्ट 960 square feet के वो बना के दिए जा रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। मेरी बैक साइड के ऊपर अगर आप देख सकते हैं तो उनका कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी तेज़ी से जारी है। इसका फेज़ 1 उन्होंने आज से 1.5 साल पहले लॉन्च किया था और 1 साल के अंदर ही उसका प्रदर्शन दे दिया। पेमेंट प्लान उसका 1.5 साल का था। सेम इसी तरह इन्होंने फेज़ 2 के अंदर मज़ीद कुछ और जो हैं वो टाउन हाउसेज कंस्ट्रक्ट करने हैं और सेम इसी तरह वो भी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अवेलेबल हैं आपके 1.5 साल के अंदर, जिसके अंदर आप ग्राउंड फ्लोर का यूनिट, फर्स्ट फ्लोर का यूनिट और सेकंड फ्लोर का यूनिट इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर बाय कर सकते हैं। इनकी प्राइसेस वेरी करती हैं, ग्राउंड फ्लोर पर थोड़ा एक्सपेंसिव है, फर्स्ट फ्लोर पर थोड़ा सा आपको जो है मुनासिब रेट पर मिल जाता है और सेम इसी तरह सेकेंड फ्लोर के ऊपर जो है वो और इसकी प्राइस जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ड्राइविन रोड के ऊपर अगर आप बैरिया के किसी प्रोजेक्ट के अंदर या बैरिया के किसी फेज़ के अंदर बाइंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पे अपना प्लॉट बाय करके घर बनाना चाहते हैं, तो बैरिया फेज़ 4 इस टाइम पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिसके अंदर प्राइसेस भी आपके पास बहुत रीज़नेबल हैं और यहाँ पे डेवलपमेंट और आबादी भी बाकी जो फेज़ 3 है उससे अगर कंपेयर किया जाए बैरिया फेज़ 4 को तो वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर इसके जो बिल्कुल अपोजिट फेज़ 2 है वो तो कम्प्लीटली डिवेलप हो चुका है, मेच्योर हो चुका है, वहाँ पर जो रेट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर आप लो बजट में रहते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो कि आप 1-2 साल होल्ड करें तो वो आपको काफ़ी बेनिफिट दे जाए, या आप अपना प्लॉट बाय करके अपना घर बनाना चाहते हैं रिहायश के वाले से, तो आप इस फेज़ को एक अच्छी ऑप्शन लिविंग के वाले से कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि बैरिया मैनेजमेंट ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने तमाम प्रोजेक्ट्स में दिया, चाहे वो बैरिया टाउन कराची हो, इस्लामाबाद हो या लाहौर हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो हाई क्लास लोग हैं, एलीट क्लास लोग हैं, वो यहाँ पर आके अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप मैक्सिमम बजट में जाके इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और मुनासिब बजट में रह के लो से लो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन दोनों इन्वेस्टमेंट के जो एंड यूज़र्स हैं उनको यहाँ पे जो अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो काफ़ी वर्ल्ड क्लास हैं और वो यहाँ पे सेम ही होती हैं। बैरिया के अंदर अगर आप इंस्टॉलमेंट्स के अंदर बाय करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड सी ऑप्शन हैं, जिसके अंदर आप इंस्टॉलमेंट्स के अंदर भी बैरिया टाउन के अंदर प्लॉट्स या कमर्शल प्लॉट्स बाय कर सकते हैं, क्योंकि बैरिया की जानिब से ऐसे कुछ डील लॉन्च नहीं की जाती जो कि फुल फ्लैश पेमेंट प्लान के ऊपर हो, जो कि लाइक 1 साल के, 2 साल के या 1.5 साल के। यहाँ पे मैक्सिमम जो आपको टाइम पीरियड मिलता है पेमेंट प्लान का वो 3 मंथ्स का होता है, जिसमें 50% से आपको बुकिंग करवानी होती है और रिमेनिंग 50% से आपको उसकी पेमेंट करनी होती है 3 मंथ्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 4 और इसके अलावा बैरिया टाउन GVR के अंदर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद अगर आप कुछ कमर्शियल प्लॉट्स जो कि बहुत ही ऑथराइज जो और फेमस डेवलपर्स होते हैं बैरिया टाउन के, ऑथराइज डेवलपर्स होते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डिफरेंट फेजेस में चल रहे हैं, बैरिया टाउन में भी चल रहे हैं, बैरिया ऑर्चर्ड में भी, बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर भी, जिसके अंदर आप 2 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर, 3 साल के या 4 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर 20-30% जो है वो बुकिंग अमाउंट पे करके रिमेनिंग आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कमर्शियल शोरूम्स भी अवेलेबल हैं और ऑफिसेज़ के आउटलेट्स भी अवेलेबल हैं और अपार्टमेंट्स भी अवेलेबल हैं, डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडियो अपार्टमेंट 1 bed 2 bed जो कि आप फर्दर रेंट आउट भी कर सकते हैं या यहाँ पर अपना कमर्शियल में आप शॉप बाय करके उसको फर्दर अपना बिजनेस भी ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर के अंदर आने वाले 1-2 साल के अंदर अगर आप इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको
गेंद दे के जाएगी। इस हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए या बुकिंग के हवाले से किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन को मेंशन मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा सेम नंबर व्हाट्सएप और इमो पे अवेलेबल है अपने ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।